Hi guys, this is Swagatika and welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing amazing. शाम के 5 बज रहे हैं एंड मैं आज बनाई हूँ टाडा व्हाइट सॉस पास्ता. एंड व्हाइट सॉस पास्ता इज वन ऑफ माई फेवरेट. मैं जब भी बाहर जाती हूँ कुछ ऑर्डर करना होता है तो दिस इज माई फेवरेट. इसको मैं जरूर ऑर्डर करती हूँ एंड ये बहुत ही टेस्टी यमी बना है. एंड अभी आप इसकी रेसिपी देखेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी, मैं किस तरह से इसको बनाई हूँ. बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही बेसिक चीजों के साथ मैं बनाई हूँ. एंड पहले मैं इसको खत्म करती हूँ. एंड या क्या आपको पता है कि टिकटॉक का एक अल्टरनेटिव आ गया है इंस्टाग्राम रील बोल के? मुझे भी नहीं पता था. जस्ट ऐसे ही मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसे बैठ के ट्विटर को ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम ने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम रील बोल के, जो टिकटॉक का ही एक अल्टरनेटिव है. एंड या दैट इज ए डेफिनेटली ए गुड न्यूज. तो टिकटॉक बैन हो गया या जरूर अच्छी बात है. तो देश की भलाई में ही हमारी भलाई है. बट काफी दिन से आप लोग देखे होंगे, ये नोटिस किया होगा कि जितने भी टिकटॉकर्स है सबको हर जगह पे ट्रोल किया जा रहा था, जो कि सही बात मुझे नहीं लगा ये सही बात नहीं है, क्योंकि वो लोग भी मेहनत कर रहे थे, राइट. सो टिकटॉक बैन हो गया, ठीक है, देश की भलाई के लिए. एंड जितने भी टिकटॉकर्स है उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मिल गया, ये भी एक अच्छी ही बात है. एंड वो एक होता है ना जो एक लत लग जाती है वीडियो बना के पोस्ट करने की, तो जितने सारे भी टिकटॉकर्स थे वो सब अब खाली बैठ रहे थे, उनको एक दूसरा प्लेटफॉर्म मिल गया, जो कि एक गुड न्यूज ही है, अच्छी ही बात है. वो लोग भी अभी एंगेज रह पाएंगे एंड जनता के लिए भी एंटरटेन होगा, एंटरटेनिंग होगा. सो या इट्स ए गुड न्यूज. तो ठीक है, अभी ये मैं खत्म करती हूँ एंड आपको मैं दिखाऊंगी अभी के ये व्हाइट सॉस पास्ता मैं कैसे बनाई हूँ. लेट्स गो. तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो सब मैं यहाँ पे निकाल के रखी हूँ. सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए. तो डेफिनेटली पास्ता बनाने के लिए हमें पास्ता तो चाहिए ही चाहिए. तो मैं यहाँ पे ली हूँ 1 कप पास्ता, आधा ग्लास दूध, थोड़े से मोज़रेला चीज़ एंड आधा कप मैदा, एक टमाटर को स्क्वायर शेप में काट के रखी हूँ, एक प्याज को स्क्वायर शेप में काट कर रखी हूँ. एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स एंड मैंने लिए है थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च के पाउडर. मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ, ये रहा. एंड मैं यहाँ पे एक बड़े लहसुन को बारीक काट कर रखी हूँ. एंड मैं ये पूरी रेसिपी बनाऊंगी ऑलिव ऑयल से, आप चाहें तो बटर से बना सकते हैं, बटर से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, बट मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ. ये ऑलिव ऑयल ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल है, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है. अगर मुझे लिंक मिला तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं. एंड सॉल्ट के बिना कोई रेसिपी कैसे बन सकती है, तो डेफिनेटली मैंने लिया है सॉल्ट. Let's start the preparation now. So, सबसे पहले मैं एक सॉस पैन में थोड़े से पानी बॉईल कर रही हूँ. जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा उसमें मैं डालूंगी थोड़े से नमक एंड उसमें मैं डालूंगी 1 कप पास्ता. पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे. तो पास्ता को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमको, बस थोड़ा सा ही पकाना है. एंड इट इज़ ऑलमोस्ट डन. अब हम पानी को छान कर पास्ता निकाल लेंगे, पानी को ड्रेन कर लेंगे.
पानी को ड्रेन करने के बाद हमारा पास्ता कुछ इस तरह से दिख रहा है एंड एकदम परफेक्ट बना है। अभी मैं इसको साइड में रख दे रही हूँ। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के तरफ। तो एक कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ थोड़े से तेल। इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से भूनेंगे। लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन चले जाए। उसके बाद उसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज एंड कटा हुआ टमाटर। इसको भी अच्छे से मैं मिला लूंगी एंड अच्छे से चलाऊंगी। इसको तब तक पकाना है जब तक हमारा प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। जब प्याज एंड टमाटर पक जाएगा इसको एक प्लेट में मैं निकाल लूंगी। अभी मैं यूज कर रही हूँ सेम कढ़ाई। उसको गरम करके उसमें मैं डालूंगी थोड़े से तेल एंड उसमें ऐड करूंगी हाफ कप मैदा एंड मैदे को अच्छे से भूनना है। बट ध्यान रखना है कि मैदे का कलर ब्राउन ना हो, उसको वाइट ही रहना है। अगर आपको लगे कि मैदा जल रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं मैदे को जलने से बचाने के लिए। जब मैदा अच्छे से भून जाएगा उसमें हम ऐड करेंगे आधा ग्लास दूध एंड इसको अच्छे से चलाना है। जैसे मैदा अच्छे से मिल जाए, घुल जाए दूध में, कोई भी लम्स हमें नहीं चाहिए, तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा ग्लास गरम पानी। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि हमारा सॉस थोड़ा थिक बन जाए। अब हमारा सॉस परफेक्ट है। अब मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़े से काली मिर्च पाउडर। थोड़े से चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो ओरेगानो या फिर पिज्जा मिक्स भी इस टाइम पे डाल सकते हैं। एंड इसको अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। सो हमारा सॉस रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे जो प्याज टमाटर को लहसुन के साथ भूनकर हमने रखा था उसको डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आप कैप्सिकम या स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। एंड अभी मैं डाल रही हूँ बॉयल किया हुआ पास्ता एंड सबको अच्छे से मिला लेंगे। फाइनली डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद सबको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड धीमी आंच में एक मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे पकाने के लिए। एंड आवर क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता इज रेडी। अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ थोड़े से मोज़रेला चीज। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। सो यस, ये थी मेरी आज की एक छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो एंड आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड ए न्यू वीडियो। And also follow me on Instagram and Facebook page as well. All the links are in the description box.
एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.